हेलो, कैसे हो आप सब लोग? होप सब लोग ठीक होंगे। ये एक्चुअली चिली वॉक तुली फेस्टिवल का वीडियो है जो हम गए थे, हमने रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन मैं पोस्ट करना भूल गई थी। हम ये लास्ट दिन को ही वहाँ पे गए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। आप देख सकते हो गाड़ियाँ, कार इतनी सारी थी वहाँ पे कि पार्किंग भी मुश्किल से मिल रहा था। हम अराउंड आफ्टरनून के आसपास पहुँचे थे वहाँ पे, अराउंड या 1:30 या 2 बजे के आसपास, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और एंट्री करने के लिए भी वहाँ पे लाइनअप था क्योंकि ये लास्ट दिन था और इसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर तुली फेस्टिवल होगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि तुली फेस्टिवल है, सनफ्लावर फेस्टिवल है, मतलब बहुत ही बड़ा 20 एकड़ में ये पूरी जगह फैली हुई है और उसके अंदर बहुत ही डिफरेंट टाइप के वैरायटी के टुलिप्स, अराउंड 30 के आसपास ट्यूलिप की वैरायटी है वहाँ पे, और बहुत सारी लोगों जगह से लोग आते थे यहाँ पे देखने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उस दिन। तो वही एक बड़ा ड्रॉबैक लगा कि अगर हम पहले आए होते तो थोड़ा हमें भीड़ कम मिलती, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने अराउंड 1.5 आवर जितना यहाँ पे स्पेंड किया और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के ट्यूलिप थे, डिफरेंट कलर के ट्यूलिप थे, तो पूरा वो बेड जैसा आपको बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखता है, कलरफुल दिखता है। और मुझे तो बेसिकली फ्लावर्स और नेचर ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हमने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि हम वहाँ पे जाएंगे ही। तो हम यहाँ पे लास्ट दिन पे पहुँचे थे और यहाँ पे जो भी प्रॉप्स काइंड ऑफ जो रखे थे, जैसे कि स्विंग है या कुछ भी, वहाँ पे भी लाइन थी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, मतलब आपको लाइन में खड़ा रहना था। और ये मतलब पूरा लास्ट जो वीक था उस टाइम पे तो पूरा रेनी था, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह पे पानी भी भरा हुआ आपको मिलेगा। और जो स्टार्टिंग में तुलिप ब्लूम करते हैं उस हिसाब से थोड़े ये मुरझा गए थे, लेकिन कई कई जगह पे बहुत ही अच्छे थे। लेकिन ये देख के ही मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे से आपको फ्लावर्स ब्लूम किए हुए देखने को मिलना, वो ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वेदर के हिसाब से यहाँ पे मेंटेन करना बहुत ही टफ है ये फ्लावर्स और कोई भी आप गार्डनिंग करते हो उसमें। तो यहाँ पे सभी लोग मतलब फ़ोटोज़ खींच रहे थे, तो हमने भी सोचा था कि हम फ़ोटोज़ लेंगे, तो हमने भी थोड़े बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए हुए हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे तो वो थोड़ा एक्सक्यूज़ कीजिएगा उसको। बाकी ओवरऑल आप जो फ्लावर्स के जो कलर है, जो वैरायटी है, आप उसको एंजॉय कर सकते हो। उस दिन वेदर काफ़ी अच्छा था, एकदम ही वार्म था, तो वो काफ़ी प्लस पॉइंट था। लेकिन हम जब निकले थे वहाँ से तब तो मतलब पूरी लाइन लगी थी हाईवे तक की, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो अगर आप जाना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, या अगर आप सनफ्लावर का जो फेस्टिवल अगस्त में आएगा, तो आई सजेस्ट कि आप पहले से ही उसका टिकट या पास ले ले, और आप जब स्टार्टिंग में हो या मिड में जाके आए, एट दी एंड में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलती है यहाँ पे। और ये जो है पूरा फेस्टिवल वो चिली वॉक में आया हुआ है, मतलब वैनकूवर जो प्रॉपर है वहाँ से 1.5-2 घंटे की दूरी पर आया हुआ है। लेकिन आस पास की जो जगह है बहुत ही अच्छी है, एकदम पूरा माउंटेन वाला है, तो आप उस हिसाब से प्लान करके जा सकते हो। आसपास में और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो आप वो भी प्लान कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि येलो कलर के फ्लावर्स यानी कि तुलिप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एकदम वाइब्रेंट कलर लग रहा है। तो हमें तो काफ़ी अच्छा लगा था वहाँ पे जाके। उसका वहाँ का रेट होता है अराउंड $18 की पर पर्सन की टिकट होती है विद द टैक्स, तो आप उस हिसाब से प्लान करके जा सकते हो। और अगर आपको भी मेरी तरह फ्लावर्स और नेचर अच्छा लगता होगा तो आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे एक ही ये ड्रॉबैक लगा कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी वहाँ पे। वहाँ पे जो रेस्ट एरिया था जहाँ पे सब लोग बैठ के नाश्ता भी कर रहे थे, वहाँ पे फूड ट्रक भी थी जहाँ से आप कुछ अगर आप खाना चाहे तो ले सकते थे। वो था कि उस दिन विंडी बिल्कुल भी नहीं था, तो सब आराम से देख सकते थे और आराम से एंजॉय कर सकते थे जो भी था वो। तो अगर थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी आ जाए तो शायद भीड़ कम भी मिले। और ये थोड़े अभी मुरझाए हुए लग रहे हैं टुलिप, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे।
इसके लिए जो टिकट्स होती है वो हमें ऑनलाइन बुक करनी रहती है, और यहाँ पे विंडो पे अगर आप आके भी ले सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोल्ड आउट हो जाती है। तो अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो वो काफ़ी इजी रहेगा, और उसमें टाइम स्लॉट है, आपको जो टाइम स्लॉट आपको सही लगता है आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर आप जो सिलेक्ट करोगे फिर वो नॉन रिफंडेबल है, वो कैंसिल भी नहीं हो सकता है और रिफ़ंड भी नहीं हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी टाइम पर अगर आप आ सको तो उसी टाइम पर आप लेना। तो हमने वही सोच के फिर लेट लिया था टिकट और वो, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग में काफ़ी इजी रहता है। तो ओवरऑल हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था यहाँ पे। हमने इतना ज़्यादा अंदर डीप में नहीं वॉक करके एक्सप्लोर किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और फिर आगे जाने में थोड़ा बहुत मतलब जो रेन हुआ था उसकी वजह से रास्ता भी इतना सही नहीं था, कई कई जगह पे ही आप जा सकते थे। तो हम आगे आगे से ही हमने एक्सप्लोर किया था, लेकिन ये अच्छे से ब्लूम हो चुके हैं और कलर भी काफ़ी अच्छा था। आप देख सकते हो पूरा रेनबो जैसा फील आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। आपको पूरे स्विट्ज़रलैंड और आम्स्टरडेम जो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ट्यूलिप फेस्टिवल होता है उसकी याद दिलाएगा, और सिएटल में भी सेम ऐसा ही ट्यूलिप फेस्टिवल होता है। आप अगर यूएसए में हो तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो जाने का। तो ओवरऑल हमारा ये एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा था। तो ये अराउंड ब्लूम होते हैं मई के आसपास, जनरली मई मंथ में ही होता है, लेकिन दैट ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर पे डिपेंड करता है। वो लोग थोड़े टाइम पहले उनकी वेबसाइट पे अपडेट दे देते हैं कि कब ये फेस्टिवल स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा। मोस्टली ये 1 मंथ तक चलता है, तो आप अराउंड अप्रैल एंड और मई में आप चेक कर सकते हो इसका कि ये कब फेस्टिवल ओपन होने वाला है। यहाँ पे सनफ्लावर फेस्टिवल भी ओपन होने वाला है जो अगस्त में होता है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन एज वेल। सो लेट्स सी कैसा रहता है वो भी। हमारा ओवरऑल जो हमने और भी वहाँ पे पहले विजिट किया था वो भी हमें काफ़ी अच्छा लगा था, जो आपने आगे व्लॉग में देखा था। तो और ये दूसरा वाला हमारा फ्लावर्स का फेस्टिवल हमने अटेंड किया था, तो वो भी हमें काफ़ी अच्छा लगा था। तो होपफुली बाकी के फेस्टिवल्स भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो उनको भी एक्सपीरियंस का पता चले और वो उस हिसाब से प्लान्स कर सके। तो मैं फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा, ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ, नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।